गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग्स। तो आज हम लोग आए हैं, कहाँ हैं बताओ मीनाक्षी? हम लोग आए हैं जहाँ हमारी शादी हुई थी। और कैसे हुई, क्या हुई, तो आपको जानना है, तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो में बने रहिए। और जैसे कि आप न्यू होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो आइए मैं बताती हूँ हम शुरुआत कहाँ से। वैसे तो हम लोग प्रॉपर नागपुर से ही है, मैं हूँ। तो यहाँ शादी कैसे है, मतलब मम्मी पापा का जन्म यहीं हुआ है और ये घर है हमारा दादा दादी का। तो हम लोग शादी यहीं किए क्योंकि हमारी दादी यहीं रहती है। तो आपको पूरी वीडियो आपको देखना पड़ेगा तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, है ना? तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनिए रहिएगा, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप लोग को ले कर चलते हैं। तो यहाँ पे था एक बड़ा सा गेट, यहाँ से पूरा पेंडॉल था, यहाँ पूरा पेंडॉल लगा हुआ था। वो दिख रहा है ना बिल्डिंग? और ये है इन लोग का जहाँ पे शादी हुआ था, मीनाक्षी का घर। ये देखिए जो शादी हुआ था वो घर पूरा टूट कराते हैं। ये देखिए पूरा पेंटिंग्स भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। भाई बंटी प्रवीण, ठीक है? और ये देखिए इसमें लिखा है मीनाक्षी संग राजेश। ये देखिए उल्टा दिख रहा है। और ये मेरे साथ ही ना मेरी छोटी सिस्टर की भी शादी हुई थी, तो उनका है आरती संग गोपी। चलिए दोस्तों और आगे लेके चलते हैं आप लोग को। ये देखिए ये आगे हम लोग अंदर। चीज बताना चाहती हूँ, आइए। ये ना मेरे दादाजी ने बनाई थी, ये तुलसी। ये देखिए तुलसी का जो तुलसी का मंदिर है ना, ये मेरे दादाजी ने अपने हाथों से बनाया है। तो पूरे गांव में अगर हमको पहचाना जाता है ना, तो वो इस नाम से पहचाना जाता है कि मिस्त्री के, जैसे कि नाती है, हम लोग नाती है ना, पोता पोती, उस तरीके से हमको यहाँ से पहचाना गया जाता है। यहाँ पे लगा हुआ था हमारा वो हल्दी जो होता है ना, हमारे इसमें हल्दी का जो रहता है ना, हमारे इसमें कम से कम 2.5 से 3 दिन हल्दी लगता है। तो यहाँ बहुत बड़ा ना स्टेज था, तो जो बहुत अच्छा से डेकोरेट हुआ था। अगर जैसे कि मुझे, मैं आपको शेयर कर दूंगी वैसे तो आगे तो पूरे सारे शादी के सारे वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। बट आपको एक चीज कर रहा हूँ, पहले मुझे मेरा सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ था मंडप, यहाँ पे पूरा मंडप था, यहाँ पे हम लोग बैठे थे फेरे के लिए, यहाँ पे पूजा पाठ जो भी हुआ था। यहाँ पे लोग देख सकते हो यहाँ का पूरा लोकेशन। और ये देखिए यहाँ का बैनर भी बना हुआ है, गंगबोइर परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। और हाँ ये मैं खुद से ही बनाई थी, ठीक है जी, खुद से बनाई थी। तो दोस्तों आप लोग को बता दूँ, मीनाक्षी जो है ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग करती है। तो ये अपने हाथों से डिजाइन किए थे, उसके बाद प्रिंट करवाए थे। और ये चीज मैं जब 11th ईयर की थी ना, तब से मैं करती हूँ और आज भी करती हूँ। मैं पापा क्या करती हूँ, ईमेल के थ्रू से करती हूँ, मैं डिजाइन कर देती हूँ और वो फिर अपने नागपुर से फिर प्रिंट निकलवा लेते हैं। चलिए आइए, चलिए और आगे चलते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। ये देखिए दोस्तों चूल्हे हुए हैं, ठीक है? और ये किचन है, ये देखिए किचन, ये किचन है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, वैसे तो अब बेचारी, अब दादी कैसी, दादी शायद बारिश आ रही है क्या? बारिश हो रही थोड़ा थोड़ा, है ना, बढ़ रही है। मैं एक सेकंड में कपड़ा, वो स्टार्ट हो गई है, कपड़ा भीग रहा था, मीनाक्षी निकाल रही है कपड़ा। दोस्तों यहाँ पे देखिए बजरंगबली का मूर्ति भी बना हुआ है। ये देखिए शेप दिख रहा हूँ आपको, ये मेरे दादाजी ने बनाया है। ये दोस्तों ले जाते हैं मीनाक्षी के रूम में। ये देखिए यहाँ पे शादी से पहले ये रहती थी। ये देखिए ये हमारा रूम है, और शादी के बाद में मैं जब भी आती हूँ तब यहीं रहती हूँ। ये देखिए रूम को पूरा देख सकते हो, ये
चलिए और दिखाते हैं बाहर का। नाम नाम घर कुड़िया था प्रकाश जन्म है ये हो ही घर में मेरे घर में तो पापा जन्म ही है तेरे तो घर बैठी भी हूँ वही घर वही रूम पसंद है। हाँ ये दे दिया है दोस्तों पानी स्टार्ट हो गई है ये देखिए पानी गिर रही है हम लोग बैठे हुए हैं ये खटिया में बहुत दिनों के बाद खटिया में बैठने का मौका मिला है मीनाक्षी पानी की बरसात तो फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।